हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे वन प्लस सिक्स टी के बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाएगा वन प्लस सिक्स को छोड़ के अब आप वन प्लस सिक्स टी के लिए वेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो आप इसके लिए कहेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको वन प्लस सिक्स टी में देखने को मिलेंगे और वन प्लस सिक्स में नहीं थे। जैसे कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छी सी स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें आपको बहुत ही छोटी सी नॉच देखने को मिलेगी वाटर ड्रॉप वाली, और यहाँ पर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग बात तो ये काफ़ी अच्छी है, लीक्स के अकॉर्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन होने वाला है। लेकिन ये जो फ़ोन है इसने मुझे डिसअपॉइंट क्यों किया, तो इस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो फ़ोन है उसमें लीक्स के अकॉर्डिंग ये था कि आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और 90% ये थी कि मैं इसी फीचर की वजह से एक्साइटेड था वन प्लस सिक्सटी में, क्योंकि वाटर ड्रॉप नॉच इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ट्रिपल कैमरा सेटअप अभी तक हमको सिर्फ जो है Huawei के P20 Pro में देखने को मिला था। अब ये ट्रिपल कैमरा सेटअप वन प्लस सिक्सटी में अगर आता तो डेफिनेटली इसमें कुछ इनोवेटिव चीज़ होती, कुछ अच्छी चीज़ और आपको देखने को मिलती। लेकिन अब जो नई लीक्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग जो फ़ोन है उसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। रोलैंड जो है उन्होंने एक रेंडर लीक्स की थी इस फोन की, जिसमें कि आपको रियर में सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा था और रियर में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा था। तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है लीक्स ये भी कह रही थी कि इस फोन में जो है आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। अब ये एक हंसी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस सिक्स जो था उसने एप्पल का मजाक उड़ाया था ये कहकर कि आपको जो है यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमारे वन प्लस वाले फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। अब सेम चीज़ जो है वन प्लस कर रहा है, यहाँ पर उसके फ़ोन में भी आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। इंस्टेंट आपको USB-C पोर्ट से ही आपको सभी काम करने पड़ेंगे, ऑडियो के आउटपुट भी आपको USB-C पोर्ट से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है ये बात कंफर्म भी तब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वन प्लस है वो उसने आपको USB-C वाले जो बुलेट ईयरफोन्स हैं वो भी आपको दिखाने शुरू कर दें। तो यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और USB टाइप सी के साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक वाला कॉम्बिनेशन आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलना है। तो यही जो चीज़ थी जो कि आपको और मुझे डिसअपॉइंट कर सकती है वन प्लस सिक्स टी के बारे में। बाकी ओवरऑल फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी वगैरह में कोई भी शक नहीं किया जा सकता, और बाकी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड और जो भी लीक्स थी जिनके समअप करके जो वीडियो बनाई जा सकती थी वन प्लस सिक्स टी की, वो मैंने पहले ही बना रखी, आप यहाँ कार्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और जो कार्ड पे देखने जाने वीडियो वो भी आपको पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें बिना कहीं मत जाएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जबारे से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन से दबाने से हो गई है, जब भी मेरे नए वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और मिस भी मत किया करेंगे, आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।